यो फाइनली आवर ट्रिप स्टार्ट्स फॉर टुंगनाथ। को पैसेंजर से देख सकते हो भाभी भैया अश्मिता। स्केड्यूल थोड़ा टाइट है बट वील ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट। और अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और हमें दिखा रहे कि हम सुबह 12 बजे तक पहुंचेंगे। सो लेट्स सी, वी हैव अ रेस विद टाइम। आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं हम लोगों को, मतलब है बट उतनी भी नहीं। 95:44 फाइनली वी आर सीटेड इन स्कोडा स्लाविया एंड आवर ट्रिप बिगिंस। डालेंगे पेट्रोल और पेट्रोल डला के फिर कुछ मंचन के लिए स्नैक्स लेके हम लोग आगे रवानगी। फाइनली ऑन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अभी डेस्टिनेशन हमारी 410 किलोमीटर बची हुई है, 9:17। तो तुम लोग देख सकते हो 87 किलोमीटर 15.8। और ये इसमें शहर का भी है, सिर्फ हाईवे नहीं है। सो फाइनली वी हैव रीच आवर टोल प्लाजा। सो भाइयों, जैसा आप लोग देख सकते हो यार कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है और वीकेंड है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऋषिकेश जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाए। बट इस रोड पे तो नॉर्मली वैसे भी ट्रैफिक रहता है एंड प्लस इट इज़ अ वीकेंड, आज सैटरडे हो चुका है तो और ज़्यादा ट्रैफिक है। और ऐसा कोई ढाबा नहीं है जहाँ पे पार्किंग का एक छोटा सा स्पेस बचा भी हो। और तुम लोग देखो ऐसे बेवकूफ लोग रास्ते में टकर जाते हैं। तो अभी हम लोगों रुके हुए थे संगम होटल, रुके क्या थे यार, वी जस्ट स्टॉप्ड बाइक बिकॉज हमने जो रेस्टोरेंट टारगेट पे रखा हुआ था यार वो तो था क्लोज। तो अब थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए और चाय पीने के लिए भी थॉट कि यहाँ पे रुके, बट यहाँ पे टॉयलेट लेके टॉयलेट ही गायब है, आ चुकी है। तो भाइयों चाय का मज़ा और फाइनली बढ़िया चाय मतलब मिल गई है हमें और अब चलेंगे चाय पी के मस्त सोएंगे थोड़ी देर। सो फाइनली गाइस वी आर एट हर की पौड़ी हरिद्वार। तो भाइयों अगर तुम लोगों की भी चड्डी ना सूख रही हो नहा के तो ऐसे गाड़ी ले में फंसा के निकल लो, और ये ट्रेवल हैक है जो सिर्फ इंडियंस को ही आता है। मौसम गजब हो रखा है यार, कितना इतनी बढ़िया खुली सांस मिल रही है ना, जिसका तुम लोग ट्रैफिक देख सकते हो भाई, गजब ट्रैफिक लगा। तो आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग गलियों में आ गए हाईवे छोड़ के, और हमेशा की तरह गूगल बाबा ने हमें बता दिया गलत रास्ता। सेफ 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली चूज भी कर लिया, अपडेट भी कर दिया मैप और हमें यहाँ पे लेके आ गया। एंड गाइस फाइनली हमें पहाड़ मिलना चालू हो चुके हैं, वी आर क्लाइंबिंग द माउंटेन्स नाउ। और अभी हमें ज़रूरत है ऑयल की, हमारी लिमिट बची हुई है 70 किलोमीटर्स की लमसम बची हुई है, वी आर सर्चिंग फॉर सम फ्यूल। तो यार फंसे हुए हम लोग जाम में, और जाम तो वैसे तो एक्सपेक्टेड था ही, ऐसा नहीं है कि नहीं था, बस ये है कि जाम में हमारी लग चुकी है रिजर्व। तो हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश की मेन मार्केट में और इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारा ETA 1 बजे था पहले, अब हो चुका है 2:30 बजे। भी लगा दी हमने पेट्रोल पंप पे, फाइनली हमें मिल चुका है। तुम लोग देख सकते हो 40 किलोमीटर की रेंज बनी बची हुई थी हमारे पास, और टोटल अभी तक हमने चलाया गाड़ी 7 hours 22 minutes, 312 किलोमीटर, 14.5 का माइलेज है और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो भाइयों फाइनली वी हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक, और ब्रेक ऐसे है कि गाड़ी वहाँ खड़ी है, भैया किधर से एंट्री, उधर से, और अपन लोग ढूंढ रहे हैं 5-star वॉशरूम। तो अब चल रहे, पीछे एक दो मिस हो गए थे बट ये वाला मिस नहीं करेंगे। गाइज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लग्जरी। तो हम लोग चलेंगे कॉफ़ी पियेंगे यार, और विल यूज द वॉशरूम। So this is a beautiful pahadi breakfast.
सिड्डू, वड़ा, पराठा विद चटनी एंड रायता। सो फाइनली वी हैड अ ब्रेकफास्ट और अब हम लोग निकल चुके हैं और हमने डिसाइड करा था कि हम शेयर करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं। तो बताओ क्या था फिर? चिल्ला वाज गुड। तुम्हें क्या अच्छा लगा भाई? सबसे अच्छा लगा मुझे ऑरेंज मार्मलेड का सॉस। आपको? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कंजर्व। रुक जा, सॉरी। पूरा डकैती मार के आए गाइस। 2 2 4 2 6 2 8। इससे पहले वो दौड़ा ले। तो आम आदमी की जरूरतें बस इतनी सी है, 5-star होटल में भी खा के। बड़े भैया ये लेके आए हैं, दिखाइए बड़े भैया। अच्छा, मैं एक साइंस है। हाँ। जब चक्कर आता है तो इसे मुंह में दबा लो, चक्कर बंद हो जाता है। ओके। गोल गोल घूमने पे। तो भाइयों ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही हमें मिल चुके हैं नए नए रास्ते और ये सब अभी नए ही बने। पिछली बार जब हम लोग केदारनाथ आए थे तो दीज वरंट मेड और अभी हम लोग चल रहे हैं 175 मोर किलोमीटर्स को। और अभी घाटियाँ, ब्यूटीफुल घाटियाँ चालू हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है हर तरफ। तुम लोग देखो रोड के किनारे किनारे हर तरफ लैंडस्लाइड ही हो रखी है। तुम जो रोड के इस किनारे देखो सामने, और बहुत बच बच के चलना पड़ रहा है यार। और अभी तो मानसून सीज़न आया भी नहीं है, फिर भी अगर इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अब सोचना पड़ेगा क्यों हो रही है। 14.3 का माइलेज मिल रहा है हमें। खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, एक व्हीकल भी पीछे ब्रेक डाउन था। देवप्रयाग 10.5, कर्णप्रयाग 108 और बद्रीनाथ 236। और रोड के कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं यार, प्लस लैंडस्लाइड देखो कितनी तगड़ी हो गई। तो भाइयों देखने आ गए हम लोग देवप्रयाग का संगम। सो फाइनली गाइस यू कैन सी द संगम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। तो दोनों जब कंबाइन जाती हैं तो गंगा बन जाती हैं और कितना बढ़िया लग रहा है यार वो देखो वहाँ से। हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड का श्रीनगर है। एंड वी आर लुकिंग फॉर ATM गाइस। ATM मिल जाता तो ठीक था यार, वहाँ पे पता चला नेट चले ना चले। तो भाई हमें अभी एक ATM दिख चुका है यहाँ पे एंड वी विल सी कि ATM है या नहीं है। तो फाइनली हमें मिल चुका है ATM और हमें ATM से मिल चुका है पैसे। तो बड़ी मशक्क़त के बाद हमें मिला है और अब चल रहे हैं। और देखो पुलिस वाले अंकल हमारी गाड़ी को बोलते हुए हटाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों आगे हो चुका है एक्सीडेंट और बहुत ही गंदा लगा हुआ है जाम। तो फंस चुके हम लोग जाम में। तुम लोग देख सकते हो 40 मिनट का जाम दिखा रहा है, अगर ये 40 दिखा रहा है तो मैं एक घंटा तो मान के चल रहा हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो जाम का कारण बस के लिए जगह नहीं छोड़ी है। फाइनली बैक कराते 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 ये लोग आ चुके हैं यहाँ तक और हम लोग इज्जत से यहाँ लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों ये लग रहा है चौथी बार जाम। तो भाइयों बड़ी मुश्किल से फिर से जाम खुला है। अब फिर कोई आके बीच में काम ना खराब करे तो कुछ भी नहीं है। और भी ऐसे आगे ले लो, खाली दिख रहा है मुझे। स्लाविया धड़ाधड़ भागती हुई रोड पे। ऊपर तो और बारिश हो जाएगी। पहाड़ों पे चढ़ी जा रही पहाड़ों की रानी। वी आर एट द बंकर हाउस कैफे एंड यू गाइस कैन सी द ब्यूटी भाई, गजब बेहतरीन। सो नाइस। Yeah.
भाइयों कुछ ऐसा व्यू है बालकनी का यार। हाँ तो भाई हमने ऑर्डर करी थी चाय, चाय थोड़ी सी खराब हुई थी तो वापस कर दी थी, दूसरी चाय आ रही है। मैगी वी आर हैविंग एंड वी आर प्लेइंग लूडो एंड लेट्स सी हु विंस। तो आ चुकी है हमारी चाय एंड सैंडविच व्हिच इज ऑलमोस्ट ओवर। कैसी सैंडविच? सो फाइनली वी हैव अ विनर ऑफ दिस लूडो गेम एंड देयर शी इज। फाइनली सांप सीढ़ी में विजय प्राप्ति हुई। अब इनके हृदय को सुकून मिला है, यहाँ चोपटा तक आना वर्थ हुआ है। आफ्टर हैविंग ब्यूटीफुल स्नैक्स अब निकल रहे हम लोग यहाँ से। दिस वॉज दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी द बंकर हाउस। कार्ड ले लिया इनका, अगली बार काम आएगा। और अब गाड़ी में बैठे हैं और चलते हैं। भाई प्रॉपर्टी वाले का फ़ोन आ रहा है कि कहाँ रह गए, तो चलते हैं। तो भाइयों हम लोग को एक रास्ता दिखी तो थी और अब गूगल मैप कह रहा है कि वही लेनी है, बट दैट वॉजेंट एनी ईजी रोड टू टेक। लेट्स सी, निकल चुके हैं दोबारा से हम लोग। जस्ट सी द व्यू। ये देखो फाइनली एट चोपटा गाइस। तुम लोग देख सकते हो यहाँ कितने कैंपिंग साइट्स एंड ऑल है। और अभी बस चल रहा हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ अपनी कैंप साइट। सो गाइस फाइनली वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन इन 2 मिनट्स एज यू कैन सी। एंड ट्रस्ट मी गाइस द व्यू इज अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, मतलब क्या ही मैं डिस्क्राइब करूं, क्या ही ये कैमरा डिस्क्राइब कर रहा होगा। और इतनी फ्रेश एयर, मतलब जितना कम बोलूं उतना अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 550 मीटर्स मोर टू आवर डेस्टिनेशन। और गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। तो आ चुके हम लोग चोपटा की तरफ और मैं चल रहा हूँ अपने होटल का। तो फाइनली हमें हमारे जीत भाई मिल चुके हैं, इन्हीं के कैंप पे हम लोग चलेंगे। और अभी बड़ा जाम लगा हुआ है तो पार्किंग फाइनली मिली है। मैं उनको एक बार बोल देता हूँ ना, यहीं लगा दे। तो भाइयों फाइनली हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और अब चलेंगे। सो फाइनली वी आर एट द कैंप साइट और ये हमारे कैंप। हमने लिए हैं 3 कैंप। तो भाई शिफ्टिंग के बाद आ चुके हम लोग डिनर करने यार। और हम लोग का डिनर लग रहा है, तुम देख सकते हो। अभी हम अश्मिता ही डिनर करेंगे। भैया भाभी तो फ्लैट हो चुके हैं अभी एकदम थकान से, हम लोग भी हो चुके थे। बट हमने सुना कि खाना अच्छा होना है तो खाना खा लेते हैं। और सुबह कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी हम लोग चेकआउट कर जाएँ। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं यार। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और टुंगनाथ का व्लॉग आने वाला है प्रभु का, तो उसको ज़रूर देखना और सपोर्ट देना।